नाउ क्वेश्चन नंबर टू, उसका फर्स्ट, उसमें देखो बीच में प्लस साइन दिया है, इसका मतलब इन सभी का आपको प्लस करना है। ए वन ए टू ए थ्री, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस अप टू ए एन, ये आपका ए एन हो गया। ओके, इन सभी का मुझे सम करना है। तो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू सेवन, कॉमन डिफरेंस यानी सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है। सेकंड आपको दिया है मिक्स फ्रैक्शन, उसमें से आपको फ्रैक्शन बनाना है। टेन टू ज़ा ट्वेंटी, ट्वेंटी प्लस वन ट्वेंटी वन अपॉन टू, माइनस फर्स्ट टर्म यानी माइनस सेवन। एलसीएम होगा टू, तो टू एलसीएम लेंगे तो ट्वेंटी वन का ट्वेंटी वन, टू सेवन ज़ा फोर्टीन, ट्वेंटी वन माइनस फोर्टीन यानी सेवन अपॉन टू। अभी मैंने बताया ए वन ए टू ए थ्री अप टू, ये क्या कहलाएगा ए एन, ए एन यानी लास्ट टर्म यानी एल, एल इज इक्वल टू एटी फोर। यहाँ पे देखो लास्ट टर्म आपको दिया है, तो आप ये शॉर्ट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो सम फाइंड करने के लिए। अभी देखो यहाँ पे आपको सम फाइंड करना है, लेकिन सम फाइंड करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एन की, और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी एन की वैल्यू दी हुई नहीं है। तो सबसे पहले आपको एन फाइंड करना है, तो एन फाइंड करने के लिए आपको ए एन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ए एन जो 5.2 में हमें किया था उसी तरह सिंप्लीफाई करना है और एन फाइंड करना है, सेम मेथड 5.2 में क्या था वही। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की जगह पे 84, ए की जगह पे 7, एन फाइंड करना है और डी की वैल्यू 7 अपॉन टू। 7 लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 7, एन माइनस 1 7 अपॉन टू, दोनों का माइनस करोगे 77, एन माइनस 1 7 अपॉन टू। अभी आगे क्या होगा, तो आगे की सिंप्लीफाई में देखो यहाँ पे 2 डिवाइड में वो सामने जाएगा तो मल्टीपल, तो 77 इंटू 2 और 7 मल्टीपल में सामने गया तो डिवाइड, तो 77 को 7 से डिवाइड करो, 11 7 जा 11 टू जा 22 इज इक्वल टू एन माइनस 1, माइनस 1 लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस 22 प्लस 1 यानी 23। इसी तरह का सिंप्लीफाई आगे हमने किया था, एन इज इक्वल टू 23, एन की वैल्यू 23 फाइंड करने के बाद आपको एस एन का लगाना है फॉर्मूला। एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, एन की जगह पे लिखना है 23 अपॉन टू, ए की जगह पे 7, एल की जगह पे 84। अब इन दोनों का प्लस होगा 91, 23 अपॉन टू ऐसे रहेगा, और इन दोनों का मल्टीपल 2 से कट नहीं हो रहा है तो दोनों का मल्टीपल 2093 अपॉन टू, दैट्स आंसर। यानी कि इस तरह के सम में आपको दो स्टेप करने हैं, पहले ए एन का फॉर्मूला करके एन फाइंड करना है और उसके बाद एस एन। और जो क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में हमने किया है वही क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में और क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में, तीनों में सेम मेथड है, सेम सिंप्लीफाई है, आगे हमने किया उसी तरह। देखो मैं समझाता हूँ आपको, यहाँ पे ए इज इक्वल टू 34, डी इज इक्वल टू दोनों का माइनस करो तो माइनस 2, ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन आपको दिया है, एन और एस एन फाइंड करना है। तो एन और एस एन फाइंड करने के लिए यही फॉर्मूला आपको लगाना है, ए एन का यूज करोगे तो एन मिलेगा और बाद में एस एन करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में भी। 3 में देखो माइनस 5 माइनस 8 माइनस 11 अप टू माइनस 230, ए इज इक्वल टू माइनस 5, डी इज इक्वल टू माइनस 3 आपको मिलेगा, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करोगे तो, और लास्ट टर्म यानी ए एन इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू माइनस 230। एन फाइंड करने के लिए एन का फॉर्मूला करना है और बाद में एस एन। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है उसमें भी ऐसा ही करना है, ए दिया है, डी दिया है, ए एन यानी एल, इसमें आपको लिख के दिया है ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू माइनस 3, ए एन यानी लास्ट टर्म इज इक्वल टू 50, एन और एस एन करना है। एन के लिए ए एन का फॉर्मूला और बाद में एस एन। ये तीनों के तीनों होमवर्क क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट करवाया उसी मेथड से करना है, आप आंसर चेक कर लेना।